हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चंस है और मॉक टेस्ट है। ये आपका मिनी टेस्ट है, क्विक रिवीजन है। आपका एग्जाम होने वाला है, आपके सर के ऊपर एग्जाम है। आपको पता है कि बीपीएससी का एग्जाम एकदम सर के ऊपर है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है आज के सेशन में, और इससे पहले मैं 4-5 वीडियो अपलोड कर दी हूँ, तो अगर वीडियो नहीं देखे तो जाके अपलोड कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर बताइएगा कि जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। तो आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा कि जो जजिया कर को समाप्त करने वाला था, ये आपका पहला जो मुगल शासक था आपका कौन था, यहाँ पे अकबर था। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। अब इतना क्वेश्चन आसान पूछा जाता है, फिर भी हम क्यों नहीं पास होते, बताइए। क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं होता है और हम ऐसे वीडियो देखते रहते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, ठीक है। तो हमें मॉक टेस्ट फटाफट करना चाहिए। अब सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, चार्ल्स बैबेज होगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय सराय कौन था, बताइए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो था आपका, भारत का प्रथम वायसराय था। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बीट होते हैं, बताइए। एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 8, ठीक है। कितने होते हैं, 8 हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ठीक है, 1784 में की गई, ठीक है, 1784 हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल स्थलीय, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा गया, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 1092 किलोमीटर, ठीक है, 1092 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को, डी इज द राइट आंसर होगा, 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है, भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर होगा 28, कितनी है आपकी, 28 राज्य है कुल आपके टोटल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिम राज्य जो कर्क रेखा पर है, ठीक है, कर्क रेखा पर है, भारत का सबसे पश्चिम राज्य जो कर्क रेखा पर है, व्हाट विल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल आंसर दिस क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 का, तो राइट आंसर होगा आपका गुजरात, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा, बताइएगा जनसंख्या, तो राइट आंसर होगा ब्राजील, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ब्राजील हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर होगा 1885 में हुई थी, 1885, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर का विलोम शब्द पूछा गया है कि वीर का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए, वीर का विलोम शब्द पूछा गया है कि क्या होगा, तो राइट आंसर होगा वीर का यहाँ पे कायर, ठीक है, वीर मीन्स क्या होता है, साहसिक, कायर मीन्स डरपोक हो जाएगा, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका 21% होता है, ठीक है, 21% होता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, या मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है, श्रम दिवस भी आ सकता है या मजदूर दिवस, ठीक है, तो किस तिथि को मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा 1 मई को आपको मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका राजा, ठीक है, राजा जो है आपका महेंद्र का पर्यायवाची नहीं है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कुर्सी को, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन क्वेश्चन है और परसेंटेज का, एक नंबर परसेंटेज के लिए, दो नंबर के लिए आता है। एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा गया, मैंने कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस। सीपी हो जाएगा आपका, सेलिंग होता है, और कॉस्ट जो होता है आपका यहाँ पे क्रय मूल्य होता है। तो हमेशा जो हमारा होता है ना, क्रय मूल्य पे ही क्या निकाला जाता है, आपका सीपी निकाला। ठीक है, तो परसेंटेज ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज से पहले तो मैं ऐसे अपना सीपी कितना दिया गया, 165 दिया गया। ठीक है, 165 और 110% का लाभ होता है। 100 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 110 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, एक जीरो से जीरो को कट कर देंगे, और यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो राइट आंसर यहाँ पे अगर हो जाएगा, तो देखिए 11 हो जाएगा। अब आपका बच जाएगा यहाँ पे 5 बजेगा, और फिर एक 5 लेंगे हम तो क्या होगा, 50 हो जाएगा। 55, 11 5 जा 55 हो जाएगा। ठीक है, अगर 11 50 से 15 आया ना, यहाँ पे 15 आया, जब हम 15 से क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 150। तो राइट आंसर क्या होगा, 150 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। प्राचीन का विलोम शब्द, प्राचीन का विलोम शब्द पूछा गया है, तो आप सभी को पता है कि प्राचीन का विलोम शब्द क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन का विलोम शब्द जो हो जाएगा आपका नबीन हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, नबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर दे इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे 22 मार्च 1992 को। ठीक है, 22 मार्च 1992 को। आज यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।